नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल हॉबी गाइड नंदी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछला एपिसोड से हम लोग बात कर रहे हैं बोनसाई का बेसिक स्टाइलिंग के ऊपर। पिछला एपिसोड में हम लोग बात किए थे बोनसाई का फॉर्मल अपराइट स्टाइल के बारे में, और आज हम लोग बात करने वाले हैं इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बोनसाई स्टाइलिंग का बात किया जाए तो सबसे पहले बात आता है फॉर्मल अपराइट स्टाइल का, लेकिन वो स्टाइल काफ़ी कठिनाई से भरा हुआ है। और उस नज़रिए से देखा जाए तो इनफॉर्मल अपराइट काफ़ी आसान एक ठो स्टाइल है जो लोगों को बेहद पसंद है। दुनिया भर में जितना भी बोनसाई स्टाइल है उनमें से इनफॉर्मल अपराइट शायद सबसे पॉपुलर स्टाइल है। तो चलिए विस्तार से बात किया जाए। और वैसे भी देखा जाए तो सीधा चीज़ से टेढ़ा चीज़ ही हम लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। तो मजाक कर रहा था दोस्तों, चलिए इनफॉर्मल अपराइट के बारे में बात किया जाए। और ये जो स्टाइल है बोनसाई का, ये काफ़ी आसान है। थोड़ा बहुत ज्ञान अगर आपका बोनसाई के बारे में है तो आप भी ये बोनसाई काफ़ी आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। तो इसीलिए इस स्टाइल को लोग लेके लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, और ये स्टाइल आपको हर किसी फ्लावर शो या किसी का भी कलेक्शन में एक तो ज़रूरी देखने को मिलेगा। तो इसमें एक ठो कार्व है, फॉर्मल अपराइट की तरह ये एकदम स्ट्रेट नहीं। सेशन को आगे ले जाने से पहले एक बात जरूर बोलना चाहूंगा दोस्तों, एज ए बिगिनर्स गाइड ये डिस्कशन सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। और यहां पे हम लोग स्टाइल का जिस पेड़ के ऊपर बात करेंगे एकदम आइडियल कंडीशन के ऊपर है, यानी कि इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल का पौधा ऐसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप किसी पेड़ के ऊपर काम कर रहे हैं, सिचुएशन के हिसाब से या उसके स्पीसीज के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़े, अगर वो देखने में खराब ना लगे तो वो एक्सेप्टेबल है दोस्तों। तो सबसे पहले इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल बोलने से हमारे ध्यान में जो आता है वो है इसका ट्रेडिशनल एस शेप। मान लीजिए आप किसी इनफॉर्मल अपराइट पेड़ को पहली बार देख रहे हैं तो ये एस अगर एक बार आपको दिख गया तो उसके बाद आप जितना भी बार इस पौधा को देखेंगे ये शेप आपके नज़र से उझल नहीं हो पाएगा। और एक बात दोस्तों, आज डिस्कशन के लिए हम पूरा थियोरिटिकल जो डिस्कशन सेशन है उसका अरेंज किया है, इसलिए इस ब्लैक बोर्ड में एक तो पिक्चर ड्रॉ किया है, लेकिन ये ब्लैक बोर्ड में जो ड्रॉ किया हुआ पिक्चर है वो एक ठो 2D इमेज है, लेकिन आपका जो बोनसाई आर्ट है वो एक ठो 3D आर्ट है। तो इसलिए ये जो कार्व है, ये जो बेंड है, इसमें काफ़ी सारा ट्विस्ट है जो 2D आर्ट में समझाना मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो ये जो ट्रंक लाइन है वो पहले पीछे की तरफ जाएगा। ये जो ट्रंक लाइन है, इसका जो कार्व आप देख रहे हैं, ये जो कार्व सिंपल एस का कार्व नहीं है, ये ट्रंक लाइन पहले पीछे की तरफ जाएगा, उसके बाद ट्विस्ट होके ये फिर से सामने की तरफ आएगा, उसके बाद दोबारा से ये ट्विस्ट होके ऊपर जाएगा। यानी कि ये जो एस है ये सिंपल एकदम एस नहीं है, ये पहले पीछे की तरफ जाएगा, फिर ट्विस्ट होके सामने आएगा और फिर से ऊपर जाएगा। फ्यूचर में मैं रियल प्लांट को लेके जरूर एक ठो प्रैक्टिकल सेशन करना चाहूँगा इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल के ऊपर। और इसका जो ब्रांचिंग है और इसका जो कार्व है, इस कार्व के अंदर से कोई ब्रांच नहीं होगा दोस्तों। कार्व के अंदर से ब्रांच होने से वो देखने में सही नहीं लगेगा। कार्व का बाहर की तरफ से ही ब्रांच हमेशा आपको लेनी है। यहाँ पे पिक्चर में शायद एक तो ब्रांच आपको लग रहा है कि ये कार्प के अंदर से है, लेकिन ये ब्रांच
दोस्तों कार्प के अंदर से नहीं है, ये पेड़ का बैक ब्रांच है जो आपके समझने के आसानी के लिए मैंने यहां से ड्रॉ किया है। रियलिटी में पेड़ का पीछे की तरफ होगा ये ब्रांच, ये कार्प के अंदर से नहीं है। और ब्रांचिंग इसका कुछ फॉर्मल अपराइट स्टाइल की तरह ही होगा, पहले फर्स्ट ब्रांच उसके बाद सेकेंड ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच और सेकेंड ब्रांच के बीच में से पहला बैक ब्रांच और सेकेंड ब्रांच और टॉप के बीच में से दूसरा बैक ब्रांच। और यहाँ पे जो ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग के एकदम एंड में मैंने जो फोलिएज पैड ड्रॉ किया है, रियलिटी में ऐसा नहीं है दोस्तों। जो बोनसाई का ब्रांचेस है, जो स्टीम से निकला हुआ ब्रांच है, वो जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रांच। उसको काटिंग करने से या प्रूनिंग करने से जो डिवाइडेशन हमको मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ब्रांच। और वो जो सेकेंडरी ब्रांच है उसको प्रूनिंग करने से हम लोगों को जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ डिवाइडेशन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी ब्रांच। और आपका बोनसाई का जो पत्तियां है यानी कि लीफ है वो उस टर्शियरी ब्रांच के ऊपर होना चाहिए दोस्तों, यानी कि वो जो फोलिएज पैड आपको दिख रहा है उसके अंदर भी काफ़ी सारा डिटेलिंग है। ये सब चीज़ के बारे में फ्यूचर में हम लोग आपके साथ और भी विस्तार से जो डिस्कशन है उसको आगे ले जाएंगे। किसी भी आर्ट फॉर्मेशन को या किसी भी बोनसाई स्टाइल को दोस्तों अगर आप दिल से बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान आपको होना चाहिए। आशा रखता हूँ आज के डिस्कशन से आपको शायद थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा इनफॉर्मल अपराइट बोनसाई स्टाइल के बारे में। अगर आपको लगता है इस डिस्कशन से आपको थोड़ा भी हेल्प हुआ होगा तो दोस्तों जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका किसी दोस्त को बोनसाई पसंद है, वो अगर सीखना चाहे तो ये वीडियो जरूर उस तक फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि उसको समझने में या सीखने में थोड़ा भी आसानी हो। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। आपके साथ था आपका दोस्त मिंटू नंदी।